गुड आफ्टरनून क्लास। आज ये 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स मुझे आए थे, तो मैं वो आज वो डाउट्स आपके लिए लेके आया हूँ। उन्होंने मुझे पूछा था सेकेंड चैप्टर, आपका सेकेंड चैप्टर जो है पैरेलल लाइंस के ऊपर। हालांकि मैंने वो चैप्टर आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, बट एंड टू वो क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स के मुझे, तो मुझे आप तक एक्सप्लेन करने की जवाबदारी मेरी है, तो मैं आज उसी क्वेश्चन को लेके आपके पास आया हूँ। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ, आज हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं बोर्ड पे। हालांकि सिखाया नहीं है, जब मैं आपको सिखाऊंगा ये वाला चैप्टर तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। इफ अगर आपको ये समझे ना तो टेंशन मत लीजिएगा, नहीं समझ रहा हम धीरे धीरे समझ लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। So, ये दो क्वेश्चन है जो कि वो स्टूडेंट्स के डाउट है, तो देख लेते हैं इसे वन बाय वन। मैंने आपके लिए आपके बोर्ड पे दोनों डायग्राम के साथ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। पहला देख लेते हैं किस हिसाब से मैंने इसे लिखा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पहला क्या लिखा है, गिवन, कि हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चंस में। फिर लिखा है हमें टू फाइंड, मतलब आपको क्या फाइंड करना है। फिर क्या लिखा है मैंने, सॉल्यूशन, मतलब ये मेन पार्ट है जो हम सॉल्व करेंगे। सेम मैंने आपका ये क्वेश्चन में भी लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, गिवन लिखा है मैंने, फिर लिखा है मैंने टू पॉइंट, फिर सॉल्यूशन। किसी भी सम्स को सॉल्व करने का ये प्रॉपर वे है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है लाइन L पैरेलल लाइन M। लाइन L है हमारा पैरेलल है किससे, M से पैरेलल है। अब कुछ कंडीशन है इसके, मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सम मतलब एड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कैसी होनी चाहिए, 180 डिग्री। कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 70 एंड y, ये जो हमारा ये एंगल है 70 और ये जो एंगल है हमारा y, बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स है और मैंने अभी बताया दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं। अब लिखता हूँ मैं एंगल 70 डिग्री एंड एंगल y, कैसा है हमारा इंटीरियर एंगल, कैसा है हमारा इंटीरियर एंगल है, बिटवीन कैसा है टू पैरेलल लाइन है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इसके लिए दोनों का सम्स कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए कैसे लिखता हूँ, 70 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो इक्वेशन है, ये तो सॉल्व करना आता है आपको। अब एंगल y को आप LHS साइड में ही रखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 7 माइनस 70 क्यों लिया, क्योंकि आपका 70 जब LHS से RHS में जाएगा, 70 जब आपका पॉजिटिव LHS से RHS में जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इजीली इसको माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 70 कितना होगा आपका, 110। यस, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। कितना गया, 110 डिग्री। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल y, y का ही पूछा था ना ये, देखिए टू फाइंड में वैल्यू ऑफ y कितना आया, 110 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैं आपके लिए इसे बॉक्स में लिख देता हूँ। पहले ही बताया था आपको हमेशा फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी है और अच्छे से मार्क कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम डायग्राम है, देखिए सेम डायग्राम है, बट उसमें थोड़ा सा हल्का आपको घुमा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है। चलो देख लेते हैं। आपका लाइन P पैरेलल लाइन Q है, लाइन P पैरेलल लाइन Q है और आपका S क्या है, ट्रांसवर्सल, जो आपके टू पैरेलल लाइन को कट करता है उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंगल 50 दिया है, यहाँ पर क्या दिया, एक एंगल 50 डिग्री दिया है और पूछा कौन सा एंगल है, एंगल A पूछा है, एंगल A की वैल्यू क्या है। अगेन बट एक मिनट, 50 यहाँ पर दिया तो एंगल A कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे लेट, क्या ले लेंगे लेट, सपोज कर लेंगे कि हमारा एक दूसरा एंगल है जो आपका इस साइड में बनता है, जो हमारा इस साइड में बनता है और ये क्या है, बी डिग्री है, क्या है, बी डिग्री। अब आपको बताता हूँ इस स्टेटमेंट में अच्छे से कैसे लिखते हैं। ये देखिए पहला लिखना है आपको
सपोज एंगल बी इज फॉर्मिंग लीनियर पैर एंगल. मैंने LPA लिख दिया, लीनियर पैर एंगल विथ 50 डिग्री एंगल. सपोज एंगल बी, हमने एंगल बी ले लिया, लीनियर पैर किसके साथ बना रहा है वो 50 डिग्री के साथ, और सम ऑफ लीनियर पैर कितना होता है, 7th chapter में देखा था हमने कितना होता है, अगेन सम ऑफ लीनियर पैर हमारा होता है 180 डिग्री. तो चलो ये भी लिख लेते हैं हम, एंगल 50 डिग्री, और डायरेक्टली लिख देंगे हम 50 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों है ये 180 डिग्री? लीनियर पैर एंगल. सेम इक्वेशन सॉल्व करना है आपको, एंगल बी को यहीं रखना है, ये आएगा 180 माइनस 50. एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 50 गया तो कितना बचेगा, करेक्ट 130. कितना बचेगा, 130 डिग्री. सो हमारे एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई, बी की वैल्यू 130 डिग्री. बट पूछा क्या है हमें, एंगल ए. क्या पूछा है, एंगल ए. जस्ट क्वेश्चन में देखिए डायग्राम के पास एंगल बी और एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल ए क्या फॉर्म कर रहा है, करेक्ट करस्पॉन्डिंग एंगल. क्या फॉर्म कर रहा है आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल. और करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू या डिग्री क्या होती है, सेम होती है. जैसे जो आपका वैल्यू बी का होगा वही आपका एंगल ए का होगा. हमारा बी का क्या आया, 130 डिग्री. बी का क्या वैल्यू आया, 130 डिग्री. सेम ये वैल्यू आपके ए की भी रहेगी, बिकॉज एंगल ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी. वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल. क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी, कॉन्ग्रेंट ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी. एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी है, क्यों भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल. क्या फॉर्म कराइए, करस्पॉन्डिंग एंगल. देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 130 डिग्री. यही तो चाहिए था हमें, एंगल ए ही तो पूछा था. देखिए, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री. होप सो आपको ये दोनों एग्जाम्पल अंडरस्टूड हुआ होगा, बट फाइनल आंसर बाकी है, एक मिनट लिख देता हूँ. Therefore, the required value of angle A is equal to 130 degree. ठीक है, मैंने final answer भी लिख दिया, ना गया 130 degree. Hope so, आज के ये दोनों doubts के question थे, ये दोनों doubts के question थे, आपको understood हुए होंगे. एक बार आप इसे देख लीजिए. बहुत ही अच्छा लगा कि स्टूडेंट को जो भी डाउट थे स्टूडेंट्स ने मुझ तक पहुंचाए. आप किसी को भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ऐसे में लेक्चर्स और डाउट्स क्लियर के सेशंस लेते आता रहूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय. एंड हाँ, शेयर लाइक कमेंट और डू नॉट मिस टू हिट द बेल आइकन. एंड आपको क्या मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की लिंक. Very good. Stay fit and stay healthy. Till then, bye-bye.